आप सभी दर्शकों का हमारे स्ट्रीट बस न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चालियामा पंचायत में मुखिया प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। इस बीच पूर्व मुखिया हरिपद सिंह की पत्नी के पक्ष में भी पंचायत के लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व मुखिया हरिपद सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान ग्रामीणों के बीच चावल, आलू, तेल, साबुन, घरेलू सामग्री के साथ मेडिसिन भी उपलब्ध कराया गया था। कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसका उन्होंने ख्याल रखा। पंचायत में विकास के साथ आर्थिक सहयोग भी किया था। आज उनके कार्यकाल को देखते हुए चालियामा पंचायत के हरेंगा, पोराडी, पाथरडी, खड़िया बस्ती, साह दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने उनकी पत्नी श्रीमती सूरजमुखी देवी को जिताने का निर्णय लिया है। इस बार महिला सीट के कारण पूर्व मुखिया हरिपद सिंह की पत्नी सूरजमुखी देवी चुनाव मैदान में है। पंचायत चुनाव झारखंड ग्राम पंचायत चालियामा में हम चारों तरफ घूमे हैं। घूम के जानकारी लिए हैं कि चार मुखिया प्रत्याशी आपका चालियामा में है, तो यही पूछना है आपसे, तो कैसा मतलब इस बार चुनाव किसके तरफ रुझान है, कौन मुखिया प्रत्याशी की तरफ, थोड़ा सा बताइए। ग्राम पंचायत चालियामा में मुखिया प्रत्याशी तो अनेक हैं, लेकिन देखा जाए तो पूर्व मुखिया सूरजमुखी देवी ने जो अपने कार्यकाल में जो विकास का काम किया था, तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोग ग्रामवासी का यही है कहना है कि जो पूर्व मुखिया विकास में जो काम किए थे, हम लोग उन्हीं को इस बार जिताने का विपुल वोट देकर उनको विजय बनाने का निर्णय लिए हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल जो 5 वर्षों से था वो बहुत ही विकास का था। हमारे गांव में बहुत विकास हुआ था उनके कार्यकाल में, इसलिए हम ग्रामवासी सभी चारों ओर से यही खबर आ रहा है कि जो सूरजमुखी देवी मुखिया प्रत्याशी है विजय बनाने का। क्या है उसका पति का काम बहुत अच्छा था और भी इस बार भी चुनाव में लड़ रहा है, इसलिए हम लोग सूरजमुखी को भी देंगे वोट। गांव में इतना सारा काम हो रहा है, सभी भी उसका पति बहुत अच्छा से कर रहा है। गांव में जितना सारा काम जो गरीब लोग का जिस टाइम खाना नहीं रहता उसको खाना देते हैं। कल में बहुत गरीब आदमी का भूखा रहता था, तो उन लोग उस टाइम आते थे तो उस टाइम को चावल दिए, साबुन उबुन जितना सारा उसका जरूरी है, हम आलू दाल चावल सभी को दिए हैं जितना गरीब लोग आते कि इनको कार्यकाल में कोरोना के समय में कि कैसे आपको अनुभव रहा? अनुभव ठीक था, सब कुछ हम लोग सबक भी हुआ है, टैंकों की सब कुछ दिया था, सरकार का फैसिलिटी जो था सब कुछ हम लोग को दिया था घर आके। आज 2020 और 21 में जो भयभक संक्रामण थे आपको कोरोना, उस समय क्या क्या सेवा मिली इनके माध्यम से? सब कुछ जो सरकारी फैसिलिटी था सब कुछ दिया था घर आके, चावल वावल सब कुछ जिसको जिसको देना था सब कुछ दिया था। कोरोना में सब कुछ हमको जो फैसिलिटी था सब कुछ दिया है हम लोग को। और अभी आप लोग क्या निर्णय लिए? हम लोग फिर जिताएंगे। अभी हम देख रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं सूरजमुखी देवी के पक्ष में वोट मांगने के लिए, और क्या क्या उम्मीद में आपको ग्रामीण की ओर से, क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? आश्वासन नहीं दे रहा है सब लोग कि हम जैसे 2010 में सूरजमुखी देवी मुखिया प्रत्याशी थे उसमें एकदम भारी मतों से विजय बनाए, उसमें मेरा वाइफ सूरजमुखी देवी और मैं दोनों मिलके बहुत सारा विकास का काम किया, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली। आपके कार्यकाल में भी? मेरा कार्यकाल में भी हम अथक प्रयास किए थे कि आदमी का भलाई हो, सुख संदेश में लोग रहे। अभी सूरजमुखी फिर आ रहे हैं, तो अभी आप लोग क्या क्या करने जाएंगे इसमें? हम लोग करेंगे जैसे कि हम देख रहे हैं कि जितना पंचायत है जगह जितना जितना काम आधा अधूरा है, तो मेरा वाइफ भी ये है संकल्प लिए कि मेरा पति जो अधूरा छोड़ के गए हैं
तो उसमें हम पूरा कर देंगे, जहाँ जहाँ रोड रास्ता बाकी है। और शिक्षा के लिए एक तो जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, पंचायत स्तर से कहीं बिजली का नहीं पहुँचा, कहीं बिजली तो वहाँ पहुँचा देंगे। शिक्षा के लिए भी प्रयास करेंगे कि जैसे कि अवेलेबल टीचर हो। हम घर घर में गए थे और अपना तरफ से जो भी हुआ अनाज वितरण किए थे, डॉक्टर सेवा उपलब्ध कराए थे, हर आदमी का 24 घंटा हम लगे हुए थे कि सेवा के लिए 24 घंटे के अंदर कभी भी कोई बुलाता है बुलाया तो उसमें हम वहाँ उपस्थित हुए थे। मतलब दिन रात कुछ नहीं देखे, दिन रात कुछ नहीं देखे। 12 बजे कोई बुलाया तो हम उस समय भी गए थे, निडर होके एकदम, कोई कोरोना कुछ हमको नहीं कर पाएगा बोल के। कि मेरा जो पंचायत के, हम समझते थे कि पूरा पंचायत मेरा एक परिवार है, तो कोई जैसे कि दुखी ना हो, सबका मुंह में जैसे हंसी मुंह रहे, ऐसा मेरा इच्छा था और हम किए थे। इसमें देखिए सस्ता प्रवासी मजदूर जितना बाहर में थे सबको लाने का कोशिश किए थे और सबको हम एक जगह एक आश्रम जैसे बनाए थे, वहाँ खाने का उपलब्ध किए थे और जितना मेरे द्वारा संभव हुआ सबको हम किए थे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।